अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे फ्लड्स की, जो पाकिस्तान में अभी इतने फ्लड्स आ रहे हैं, आए हैं, इसने इतनी तबाही मचाई है। ठीक है, ये सारा जैसे आप देख रहे हैं पूरा का पूरा इलाका एक है जो डूब चुका है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी वजूहात क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, इस पर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कैसा था, ठीक है, और इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। हम आज इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो यार, ये जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं, इन्होंने तबाही मचा के रख दी है। ठीक है, तकरीबन 1200 लोग वफात पा चुके हैं, 3500 लोग इंजर्ड हुए हैं इससे। ठीक है, मोर देन 150 ब्रिजेस जो हैं वो कोलैप्स हो गए हैं। तकरीबन कई हज़ार किलोमीटर का जो रोड है आपका, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा 33 मिलियन पीपल जो हैं वो अफेक्टेड हैं इससे, इस फ्लड्स से। ठीक है, तो जो ग्रेविटी है सिचुएशन की बहुत ज़्यादा है, जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आज हम इसको समझेंगे कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं, जो इतनी मुल्क में सिचुएशन है ग्रेव, इसकी वजह क्या है, सब कुछ कैसे हुआ। ठीक है, तो यार देखो, जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं, इसकी दो वजूहात हैं। ठीक है, एक क्या है, रैपिडली मेल्टिंग ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर्स हमारे मुल्क में हैं नॉर्दर्न एरियाज में, ठीक है, उनकी मेल्टिंग, जो बर्फ़ पिघल रही है, नंबर वन। और सेकेंडली क्या है, मानसून सीजन, जो बारिशें हमारे पास जो रेन्स हो रही हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारे पास दो रीजंस हैं इन फ्लड्स की, जिसमें रेन्स जो हैं ये प्राइमरीली फैक्टर हैं फ्लड्स का। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, बेसिकली इस दफ़ा हुआ ये है, अगर आप इस स्टैट्स को देखो तो इस दफ़ा बारिशें जो रेन है वो बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, अगर हम सिर्फ सिंध की बात करें तो देखो, सिंध में जो एवरेज रेनफॉल है फ्रॉम 1961 to 2010, ठीक है, वो इतनी है, ये जो येलो सा आपको नज़र आ रहा है, ये एवरेज रेनफॉल है सिंध में जो होती रही है हर साल, एक एवरेज निकाल के। और 2022 में ये एवरेज है, ठीक है, तकरीबन 508% ज़्यादा बारिश हुई है इस दफ़ा सिंध में। लाइकवाइज अब बाकी प्रोविंसेस को देख लो, ठीक है, तो हर प्रोविंस में जो बारिश है वो ज़्यादा हुई है, तो इसने बेसिकली ऐड किया है उस फैक्टर को, इसलिए जो सिचुएशन है हमारे मुल्क की काफ़ी ख़राब है। क्योंकि देखो ना, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, ठीक है, ना जो हमारे मिटिगेशन या फिर जो प्रिवेंशन सेंटर्स हैं या जो भी कह लो कि एक सेटअप है हमारा पूरा का पूरा, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ, वो प्रिपेयर्ड नहीं थी इस चीज़ के लिए, और बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम चोक कर गया था उस टाइम पे, तो इस वजह से भी जो फ्लड्स हैं वो काफ़ी उसने तबाही मचाई है। ठीक है, आप इसमें चाहे तो आप सिंध गवर्नमेंट को, पीटीआई को, फेडरल गवर्नमेंट को, जिसको भी क्रिटिसाइज करो, लेकिन सच यही है कि जब इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। बस एक दो चीज़ें हैं उसमें, क्या है कि आप एक प्रोएक्टिव अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोएक्टिव अप्रोच ले सकते हो गवर्नमेंट, एज ए गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच हो, आप देख रहे हो बारिशें हो रही हो तो आप ऑलरेडी लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर देते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन वो नहीं किया गया यहाँ पर। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी लेट रिस्पॉन्स था, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं थी, रेदर इट वॉज़ अ रिएक्टिव अप्रोच। ठीक है, कि जब डेसिमेशन स्टार्ट हो गई, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, लोगों की वफातें होना शुरू हो गई, गवर्नमेंट ने फिर मोबालाइज की अपनी मशीनरी। सो गवर्नमेंट की तरफ ये इल्ज़ाम आप कह सकते हो, या ये गलती उस तरफ ठहर सकती है, लेकिन जब इतनी बारिशें हो रही हैं तो कोई भी गवर्नमेंट होती तो वो फेल हो, उसने फेल होना ही था। ठीक है, ये बारिशों का कसूर गवर्नमेंट की तरफ नहीं है, लेकिन यस, एज फार एज रिस्पॉन्स इज कंसर्न, डेफिनेटली गवर्नमेंट वहाँ पर बहुत स्लो रही है। ठीक है, तो ये एक वजह है आपके फ्लड्स की, ठीक है, कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। अच्छा, अब देखो इसकी वजह क्या है यार, कि जो फ्लड्स आए हैं इसको थोड़ा सा डीपली देखते हैं, अभी डिटेल में देखते हैं। तो यार देखो, बेसिकली ऐसा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, वो पूरी दुनिया से इससे मुतासर है, ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, दुनिया में जो टेम्परेचर है दुनिया का, वो बढ़ता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, जब दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके पास क्या होता है, जो आइस शीट्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलते हैं, वो मेल्ट होते हैं। ठीक है, जब मेल्टिंग होगी आपकी, ठीक है, तो पानी ज़्यादा आगे दरियाओं में, दिस इज़ पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो आपके पास क्या होता है, ये बेसिकली जो ओशंस और सी हैं उसमें से वाटर एवेपोरेट होता है। ठीक है,
ओशंस में से वाटर एवेपोरेट होता है, और साथ जो आपके पास हॉट एयर होती है उसमें इतनी सलाहियत होती है कि वो जो एवेपोरेटेड वाटर है उसको अपने पास संभाल के रखे, अब कैप्चर कर सके, रोक के रखे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब वो मौसम बदलता है, टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है, तो ज़्यादा ज़्यादा पानी फिर बारिश की सूरत में नीचे आता है। सही है, तो एक तरफ आपके पास मेल्टिंग हो रही है, एक तरफ आपके पास ज़्यादा रेन्स हो रही हैं, और यही हुआ है पाकिस्तान के साथ भी। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इस चीज़ को लिखा हुआ है, ये समझ लेना कि द साइंस लिंकिंग क्लाइमेट चेंज एंड मोर इंटेंस मानसून इज क्वाइट सिंपल। ग्लोबल वार्मिंग इज मेकिंग एयर एंड सी टेम्परेचर राइज, लीडिंग टू मोर एवेपोरेशन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर वार्मर एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर, मेकिंग मानसून रेनफॉल मोर इंटेंस। ठीक है, तो ये दो वजूहत हैं, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। अब एक अब समझ लो, दुख की बात है, एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अगले साल भी टेम्परेचर और बढ़ेगा। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा दैट मीन्स कि अगले साल भी ख़तरा है फ्लड्स का, गॉड फॉरबिड, इतने मतलब ना नहीं आए, लेकिन एक चीज़ है, ये फ्लड्स ये जितनी भी नागहानी आफतें हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो सारी हमारे सर पे मंडला रही हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा इस चीज़ों को लेकर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज़ कॉपी की हुई है कि द साइंटिस्ट प्रिडिक्ट दैट एवरेज रेनफॉल इन इंडियन समर मानसून विल इंक्रीज। ठीक है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। जब एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लड के चांसेस हैं वो भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि हॉट एयर होगी तो वो जो एवेपोरेटेड मॉइस्चर है उसको ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकेगी। जब ज़्यादा देर तक होल्ड करेगी, ज़्यादा वाटर जमा होगा, फिर बारिशें भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, दैट इज़ वाई ये जो अभी हो रहा है ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये शायद 2 साल बाद 10 साल बाद दोबारा हम सिचुएशन देखें, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। तो इसलिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। एक वजह तो ये एक बेसिकली वजह थी हमारे फ्लड्स की। दूसरा यार देखो, अभी आप पिछले साल उठा के देख लो ना, तो जो हमारी मानसून है वो स्टार्ट होती है जुलाई से और वो सितंबर के मिड तक चलती है। ठीक है, हमारे जो मानसून की बारिशें हैं, मानसून का जो मौसम है, और उसके 3 या 4 स्पेल होते हैं, 3-4 दफ़ा बारिशें होती हैं प्रॉपर, फिर वो रुक जाती हैं। ये हमारा एक मानसून का स्पेल है पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन इस साल क्या हुआ है, इस साल जुलाई में बारिशें स्टार्ट नहीं हुई मानसून की, रेदर मिड जून से स्टार्ट हो गई। ठीक है, मिड जून से स्टार्ट हुई और कह रहे हैं कि अभी अक्टूबर तक चलेंगी बारिशें, तो हमारा मानसून जो है वो स्ट्रेच हो गया, उसका जो अरसा है वो लंबा हो गया। ठीक है, और साथ जहाँ पर 3 से 4 स्पेल्स होते थे बारिशों के, वहाँ पे अब 8 स्पेल्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो बारिशें ज़्यादा हैं और बारिशें हो भी ज़्यादा रही हैं, 500% ज़्यादा बारिशें हुई हैं एवरेज से। तो ये भी वजह है इस फ्लड की, इस सिचुएशन की। ठीक है, बाकी इन इन पिक्चर्स को, इन स्लाइड्स को पढ़ लेना तो आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगी चीज़ों की। नाउ अगर हम इसकी बात करें 2010 के फ्लड्स के साथ, कि तो अभी जो फ्लड्स आए हैं 2022 में और जो 2010 में फ्लड्स आए थे इनमें, तो अगर हम पहले बात करें कि इंटरनेशनल या फिर जो मीडिया की अटेंशन है, ठीक है, मीडिया की जो अटेंशन है वो, तो यार देखो मीडिया की अटेंशन 2010 के फ्लड्स में बहुत ज़्यादा थी, 2022 के फ्लड्स में मीडिया की टेंशन बहुत कम रही है। अब इसमें दोनों हैं, नेशनल मीडिया भी, इंटरनेशनल मीडिया भी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह बेसिकली ये है कि 2010 में सवात में इंसर्जेंसी चल रही थी, सवात में ऑपरेशन चल रहा था, इंटरनेशनल मीडिया का फोकस था पाकिस्तानी तालिबान पर, ठीक है, वॉर ऑन टेररिज्म पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और 2010 में जो फ्लड्स आए थे वो बेसिकली स्टार्ट भी आपके KPK से हुए थे, ठीक है, हमारे KPK के प्रोविंस से स्टार्ट हुए थे। तो ऑटोमेटिकली उसको ना बहुत जल्दी इंटरनेशनल मीडिया ने देख लिया था, कैप्चर कर लिया था, नज़रों में ले आए थे, ठीक है, और इस तरह से इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो भी, जो हमारा मुल्क था, हमारी हुकूमत थी, वो भी बहुत तेज़ मोबिलाइज हुई थी काम करने के लिए, रिलीफ एफर्ट्स के लिए। ठीक है, और उसमें एस्टिमेटेड जो हमारा ख़र्चा हुआ था, नुकसान हुआ था, $10 बिलियन का हुआ था, ठीक है, 2010 के फ्लड्स में। अगर हम बात करें आज की, यानी कि 2022 के फ्लड्स की, तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट थी, सॉरी टू से, लेकिन वो बिज़ी रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में, ठीक है, और फिर हमारे मुल्क में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो हमारी अपोजिशन है, स्पेशली जो मेन पार्टी है, दैट इज़ PTI, वो जलसे कर रही थी,
ठीक है, जून की बात करें अगर हम, मई जून की, तो वहाँ पे वो जलसे कर रही थी और बाकी चीज़ें हो रही थी, और साथ साथ हमारी इकोनॉमी जो है उसकी हालत बहुत बुरी थी। एक टाइम पे अराउंड 230-240 के आसपास डॉलर पहुँच गया था, ठीक है। तो इन सब सिचुएशंस में गवर्नमेंट ने इस तरफ फोकस ही नहीं किया कि बहुत तेज़ बारिशें हो रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। मिड जुलाई से ही हमारे पास स्टार्ट हो गई हैं बारिशें होना बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट यहाँ पर बिजी थी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में, पॉलिटिक्स करने में, बाकी चीज़ों में, तो गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा था, एक रिएक्टिव अप्रोच रही, ठीक है। इसके नतीजे में क्या हुआ, जुलाई में ही, आप जुलाई के स्टार्ट में ही बलूचिस्तान के जो है एरिया पिशीन वगैरह, ठीक है, वहाँ पर एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी कि यहाँ पर यार बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लोग मर रहे हैं। इसके बावजूद गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रॉन्ग या इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं आई सामने, ठीक है, इतनी एफर्ट्स नहीं की। ऑल्दो प्रिवेंशियल गवर्नमेंट कुछ कर रही थी लेकिन उस तरह से इतना फोकस्ड नहीं थे, ठीक है, और फेडरल गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही फोकस्ड नहीं थी। फिर अचानक से गवर्नमेंट को याद आया कि यार ये तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो गया है, जब सोशल मीडिया पे पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हुई तो, ठीक है। सो दिस वाज अ थिंग। तो इसलिए जो 2022 के जो फ्लड्स हैं वो ज़्यादा इसलिए ख़तरनाक हैं, इसलिए ज़्यादा डैमेजिंग हैं। अभी कह रहे हैं कि जो एस्टिमेटेड लॉस हुआ है अभी के लिए वो $10 बिलियन का है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये अभी डेटा जो है ये एक रफ सा डेटा है, ठीक है। अभी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, सामने आएंगी, रिवील होंगी, तो मैम आई एम टेलिंग यू दिस कि $10 बिलियन से जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो जो 2010 के फ्लड्स हैं उससे ज़्यादा 2022 में ये तबाही हुई है, ठीक है। नाउ एज आई वाज सेइंग कि जो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स रहा है वो सही नहीं रहा, इट वॉज़ अ वेरी लुकवर्म रिस्पॉन्स, बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स रहा है। अब उसकी वजह क्या है, ये मैंने एक आर्टिकल का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से इसको पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो स्लो रही है। कि देखो मिड जून से आपके पास बारिशें स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, फिर जुलाई में 18th of July को क्या हुआ कि बलूचिस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने इतना कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं लिए। फिर इवेंचुअली अगस्त में जाकर थोड़ा सा एक्टिव हुई हमारी क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्टर हैं श्री रहमान साहिबा, ठीक है, और इवेंचुअली फिर उन्होंने यूएन से बोला कि हमें अपील की उन्होंने यूएन को कि हमें एड दी जाए, हेल्प की जाए हमारी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है ना। तो मैंने बेसिकली ये लिखा हुआ है, ये लिंक दिया हुआ है आर्टिकल का, इसको आप पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप के कब से क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स, क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए थे, ठीक है, इसको पढ़ लेना, अच्छी चीज़ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरियाज हिट बाय मानसून रेज, ठीक है, कि कौन कौन से एरियाज हैं जो इनको मानसून ने हिट किया है इस टाइम पे। तो यार देखो पंजाब, जो सदरन पंजाब है ना, ये हिट हुआ है आपके पास, केपी के बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, और आपके पास कश्मीर का एरिया भी, गिलगित बल्तिस्तान का भी, यानी कि इस एरिया को छोड़ के, इस्लामाबाद और सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब को छोड़ के, बाकी आपका पूरा एरिया बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है। इसमें एक दो चीज़ें समझने वाली हैं, वो ये हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो सिंध को हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर सिंध में हुआ है, नंबर ऑफ़ डेथ भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं, क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, सब कुछ यानी कि सिंध में बहुत ज़्यादा हुआ है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, बलूचिस्तान में भी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन इसमें मसला क्या है, बलूचिस्तान में लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, फार ऑफ प्लेसेस पे, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर जो लैंड रूट है, जो सड़कें हैं वो तबाह हो चुकी हैं, वहाँ पर कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो लोगों तक पहुँचने में बहुत टाइम और वक्त लग रहा है हुकूमत को, ठीक है, और बाय लैंड वो पहुंच नहीं पा रहे, तो वो बाय एयर जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो मोस्टली लोग हैं वो कट ऑफ हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ आ रही है बात की। लेकिन सिंध में सिचुएशन ऐसी नहीं है, ऑल दो सिंध सबमर्ज्ड है इस टाइम पे, लेकिन यहाँ पर कनेक्टिविटी बेहतर है, यहाँ पर कनेक्टिविटी बलूचिस्तान की तरह नहीं है, बलूचिस्तान में कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, रोड्स ऑलरेडी थे ही नहीं, और जो थे वो भी फ्लड्स की वजह से तबाह हो गए हैं। उसके अलावा तकरीबन 15 छोटे डैम्स थे यहाँ पर, वो भी टूट गए हैं, ठीक है, तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। एज़ फार एज़ एरियाज हिट बाय मानसून आर कंसर्न, तो देखो यार ये एरियाज हैं, ठीक है, ये देख लो, यहाँ पे इसके नंबर को देख लो कि
कितने हाउसेस डैमेज हुए हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, तो इसका नंबर देख लो, सिंध में काफ़ी हाई नंबर है, तो माल हो जान हो काफ़ी नुकसान हुआ है उसका। ठीक है, अब इसके हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट, ठीक है, इसका असर क्या होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यार अभी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, ठीक है, अभी हम हर चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। अभी ऐसा है कि देखो इसके इम्पैक्ट्स बहुत नेगेटिव होने हैं। एक तो एक स्पेशली चिल्ड्रन को आप अगर देखोगे तो उनके जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा होगा उस पर। ठीक है, अभी तक बहुत से जो चिल्ड्रन हैं उनको वो ट्रामेटाइज्ड हैं, बहुत से पेशेंट हैं वो ट्रामेटाइज्ड हैं, उनको अभी साइकोलॉजिस्ट उन पर काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर वन, अभी इससे निकलेंगे, इस ट्रामा से कितना बड़ी एक आफत आई, इतने लोग मरे, ठीक है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। पॉइंट नंबर टू, देखो सफाई नहीं है, सेवेज सिस्टम, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं है जहाँ पर ये इतना बड़ा अजाब आया है। लोग टेंटों में रह रहे हैं, बहुत से आवाम के पास वो टेंट ही नहीं है, बेसिक प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है, तो क्या है इससे, पानी गंदा है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो डिफरेंट जो डिजीज़ हैं, डायरिया की, स्किन डिजीज़, इन्फेक्शंस, वो फैलते जा रहे हैं। अभी ये चीज़ें अनफोल्ड आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। अभी जैसे ये पास्ट 24 आवर्स में 90,000 डायरिया के केसेस सामने आए हैं सिंध में, ठीक है, 90,000 केसेस ऑफ डायरिया। तो ये अभी आगे जाकर पता चलेगा कि इसकी क्या सिचुएशन है, क्या बनता है। यार आई प्रे कि अल्लाह सब खैर करे, लेकिन जो ये सिचुएशन है काफ़ी नागानी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो हेल्थ इश्यूज आपके पास बहुत ज़्यादा होंगे, साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान में, वो बेसिकली फूड की शॉर्टेज है। ठीक है, देखो एक चीज़ को समझो, पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इन्हसार करती है एग्रीकल्चर पे। ठीक है, अब जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ हम उससे एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम वो बाहर से चीज़ें बेचते नहीं हैं, रेदर लोकल डोमेस्टिक मार्केट में भी एग्रीकल्चर की गुड्स इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर से जो यील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है वो डोमेस्टिक मार्केट में भी चल रही होती है। अब हमारी डोमेस्टिक मार्केट से तो वो गुड्स, वो यील्ड चली गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, हमारी एक्सपोर्ट्स भी ख़त्म हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, हुकूमत जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें, वीट हो गई और राइस, दालें, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, टमाटर और वेजिटेबल्स, सो एंड सो फोर्थ, जो चीज़ें इवन कि हम खुद से उगा रहे थे वो भी अब हम खुद से नहीं उगा सकते, वो यील्ड सामने नहीं आएगी अभी, तो इससे बहुत बड़ा एक बर्डन क्रिएट होगा हमारी इकॉनमी पे। ठीक है, ऑलरेडी हमारी इकॉनमी की हालत बहुत बुरी है, ICU में चल रही है। अब इस टाइम पे अगर ये चीज़ होगी, बाय से हम ये चीज़ें इम्पोर्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा बर्डन होगा हमारी इकॉनमी के लिए, पॉइंट नंबर वन। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होगा, इसका इम्पैक्ट होगा इस पूरी मसले का। सेकेंडली, मैंने आपको बताया कि बहुत सी जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं, एडिबल्स हैं, वो हम प्रोड्यूस करते हैं और ख़ुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब वो भी हमने गवा दिए, ज़ाया हो गई, ठीक है, एग्रीकल्चर से, तो एक बहुत बड़ी फूड शॉर्टेज क्रिएट होगी हमारे मुल्क में, फूड इनसिक्योरिटी आएगी। तो दिस इज़ पॉइंट नंबर टू, बहुत बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है कि फूड इनसिक्योरिटी होनी है। ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, ये देखो यार, पाकिस्तान की तकरीबन जो एक मिनट इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करके लिख सकूँ यहाँ पर। ओके, सो मैं आपको कह रहा था बेसिकली यार कि देखो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो है वो बेसिकली ये है कि जो एग्रीकल्चर है या वो तकरीबन हमारा 20% हमारी GDP का हिस्सा है। ठीक है, और अराउंड 60% तक हमारी लेबर फोर्स एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। ठीक है, इस 60% को, इसको कंफर्म कर लेना, नेट पे गूगल पे सर्च करना, मिल जाएगा आपको इजीली। सो यानी कि 20% ऑफ आवर GDP और अ ह्यूमंगस नंबर ऑफ आवर लेबर फोर्स इज़ एसोसिएटेड विद दिस एग्रीकल्चर सेक्टर। अब वो गई, अब ये क्या है, इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है ये अगेन आपकी जो इकॉनमी है उस पर बर्डन बनेगी। मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ, ऑफ कोर्स ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उन लोगों को परवाह करे, उनका ख्याल करे, हैविंग सेड दैट, लेकिन एक फैक्ट तो है ना कि अब वो बेचारे क्या करेंगे, वो लोग अब बाहर मतलब जहाँ पे भी रह रहे हैं तो उनको खाने पीने की चीज़ें चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ चाहिए। ठीक है, तो वो ख़ुद तो नहीं कर सकते, अब उनको मतलब वो बेचारे हारी हैं, किसान हैं, छोटे मोटे से हमारी तरह के इंसान हैं। ठीक है, तो उनके पास इतनी वो स्किल्ड लेबर नहीं है इतनी, इस तरह से कि वो मतलब जाके PC पे बैठें या इस तरह के काम करें। ठीक है, सो इवेंचुअली अब जब सारा फ्लैट का सिस्टम क्लियर होगा, क्रॉप्स वगैरह
वापस वो निज़ाम पूरा स्टार्ट होगा तो ही वो अपनी रूटीन वापस आ सकेंगे। तो उससे पहले ये हुकूमत की जिम्मेदारी है उनको पालना, सही है। तो अगेन अब हुकूमत उनको ऐसा तो नहीं कर सकती, ऑफ कोर्स हुकूमत को इन सब के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने के लिए पैसे चाहिए। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो हुकूमत फिर इकॉनमी जो अपनी है उस पे से, इकॉनमी पर हमारी जोर पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। सो ये इम्पैक्ट हैं सारे इसके, कि इकॉनमी, फूड इनसिक्योरिटी, हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। तो जस्ट, और जो मैं आपको बता रहा था कि देखो फूड इनसिक्योरिटी है वो इसलिए कि तकरीबन ऑलरेडी हमारा 3.6 मिलियन एकड़ जो लैंड है वो तबाह हो चुकी है, ठीक है। 3.6 मिलियन एकड़, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी लैंड है हमारी जहाँ पर हम अपनी यील्ड पैदा कर रहे थे, सही है। सो ये सारे इसके इम्पैक्ट्स हैं, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलीफ जो हमारे कंट्रीज हैं हमारी हेल्प की है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जहाँ तक देखो अगर हम अपनी बात करें तो वहाँ पर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने टेलीथॉन किया, पैसे जमा किए, ठीक है। इसके अलावा सिंध रिलीफ फंड बनाया है सिंध गवर्नमेंट ने, कि वहाँ पर आप पैसे डालो, पैसे दो, ताकि सिंध गवर्नमेंट जो है वो लोगों पे खर्च कर सके। इस तरह जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी एक रिलीफ एक अकाउंट बनाया है, आई थिंक उसका रिलीफ समथिंग करके नाम है। वहाँ पर उन्होंने लोगों को यही अर्ज किया है कि आप यू नो डोनेशंस दें ताकि हम लोगों के लिए काम कर सकें। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो ये है कि US ने $30 मिलियन की एड दी है, ठीक है, और UK ने भी अराउंड 30 मिलियन डॉलर्स, 30 मिलियन यूरोस, सॉरी 30 मिलियन पाउंड्स की उन्होंने भी एड का कहा है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी हमें एड दे रहा है, ठीक है, और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, ईरान, ये सारे कंट्रीज़ ने बेसिकली हमें रिलीफ गुड्स दिए हैं, जैसे टेंट्स हो गए, ठीक है, किट्स हो गई, मेडिकल सप्लाइज, मेडिसिन वगैरह, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें दी हैं, ठीक है। इसके अलावा UN ने भी बोला है कि वो तकरीबन 160 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को देगा, सही है। तो देखो इतनी बुरी सिचुएशन है, हमारा जो लॉसेज है वो 10 बिलियन डॉलर से बढ़ चुके हैं, और यहाँ पर जो एड है वो बहुत मीगर है, बहुत थोड़ी एड है, ठीक है। और सेकेंडली देखो ये जो एड है, ये जितना भी आफत पाकिस्तान में आई है, फ्लड्स वगैरह, पाकिस्तान इसका रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। ये फ्लड्स आए, जो कुछ आया, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, सब के पीछे क्लाइमेट चेंज है रीज़न मेन। और क्लाइमेट चेंज जो मेन कंट्रीज इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज में, जो टेम्परेचर राइज हो रहे हैं उसमें, वो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, US हो गया, UK हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया। इसके अलावा हमारे एशियन कंट्रीज़ भी हैं जैसे चाइना, इंडिया, ठीक है। लेकिन ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, US, UK, जर्मनी वगैरह, ये तो बहुत सालों से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, बहुत सालों से इंडस्ट्री में फॉसिल फ्यूल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मेन जो कल्प्रिट हैं वो तो ये कंट्रीज़ हैं, इनको आए इनको चाहिए कि ये सामने आएँ और हेल्प करें पाकिस्तान की, एड दें। लेकिन एड यानी कि ये एड नहीं, एड के नाम पे एक तोहीन की गई है हमारे साथ वैसे तो। खैर, सो दिस इज़ द थिंग कि इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी है कि हमें जो भी कुछ मिल रहा है हमें वो ले ले लेना चाहिए। तो इसलिए ये यहाँ पर जानना ज़रूरी था कि हमें इतनी इतनी एड मिली है इन कंट्रीज़ से। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूंगा यार, देखो आई थिंक ये 2 साल पहले जब कोविड जो कोविड की वेव थी वो पीक पे थी इंडिया में, ठीक है, जो एक इंडियन वेरिएंट था या फिर डेल्टा वेरिएंट था वो बहुत पीक पे था इंडिया में, बहुत बुरी हालत थी वहाँ पर। इवन कि पाकिस्तान ने भी ये कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे इंडिया को अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान ने फराख दिली का मुजाहरा किया था। लेकिन इंडिया ने और बाकी कंट्रीज़ ने भी इंडिया को ऑफ़र की थी कि हम आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया था कि नहीं, हमें आपकी हेल्प नहीं चाहिए, हम वी आर सेल्फ सफिशेंट, हम सफिशेंट हैं, हम इतने काबिल हैं, ठीक है, हम अपना ख्याल खुद कर लेंगे। और इंडिया ने किसी की हेल्प लिए बगैर उस पूरे मसले से, पूरी सिचुएशन से बाहर निकला था वो। हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं आज? हम यहाँ खड़े हैं कि यहाँ पे फ्लड्स आते हैं, कोई भी मसला होता है, हम भीख मांगने पहुँच जाते हैं, ठीक है, इनसे, इंटरनेशनल जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे, फ्रेंडली कंट्रीज से,
यूएस से, वेस्टर्न कंट्रीज से, बाकी ठीक है हम भीख मांगते हैं, क्या इज्जत रहेगी हमारी? और ये कोई नई बात नहीं है, ये मैं पीएम शहबाज की या फिर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान साहब उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये सिलसिला चल रहा है 1960s 1970s से, हम तब से ये काम कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर 1970s। और 1990s के बाद तो हमें इस चीज़ की लत लग गई थी कि हमने खुद सेल्फ सफिशिएंट नहीं होना, हमने मुल्क के लिए काम नहीं करना, हमने भीख मांगनी है, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। हम बार बार लगातार IMF के पास जाते हैं, कितनी दफ़ा हम सऊदी अरब के पास गए हैं, कितनी दफ़ा सऊदी अरब ने हमें डिफरेंट पेमेंट्स पे ऑयल दिया है, कितनी दफ़ा UAE ने हमें बेल आउट किया है, चाइना ने बेल आउट किया है। आखिर वो दिन कब आएगा जब हम भीख मांगना छोड़ेंगे, हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे? ये बेसिकली हमारी गलती है, ये हमारी गलती है असल में, कि हम लोगों ने ऐसे लोगों का इज्तनाब किया है, हम लोगों ने उन लोगों को सपोर्ट किया है, और हम लोग तब बोले नहीं जब बोलने का वक्त था, ठीक है? तो उस वजह से हुआ यही कि आज पाकिस्तान की ये हालत है। खैर, हैविंग सेड दैट, आई एम रियली सॉरी अगर मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ। खैर, हैविंग सेड दैट, यार देखो सीधी सी बात है कि एड से आप इतनी बड़ी नागहानी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते, आपको ख़ुद एक एज ए कंट्री स्ट्रांग इमर्ज होना पड़ेगा, अपनी इकॉनमी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, तभी आप ऐसी सिचुएशन से, नागहानी आफत से निकल सकते हो, ठीक है? सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।